हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट गौतम। और जैसे कि आपको पता है कि मैं अभी जो ब्लॉग बना रहा हूँ एज फॉर योर एंटरटेनमेंट एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे अगर पहले बार देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन जो है प्लीज़ प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो ये नागपुर को एक ऑरेंज सिटी कहते हैं, राइट? नागपुर ऑरेंज सिटी क्यों है, क्या है और नागपुर से क्या खास बात है? बहुत सारी चीज़ें हैं नागपुर में देखने लायक, लेकिन आज मैं आपको एक जगह लेके आया हूँ नागपुर में, बहुत अच्छी जगह पे, बहुत पॉपुलर जगह जो इंडिया का दिल कहा जाता है, लेकिन रिसेंटली पता चला कि दिल कहीं और है। बट मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, एज़ फॉर गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनुसार जब 1907 जब गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी यहाँ पे, तब उन्होंने इंडिया के नागपुर को, नागपुर की 0 माइल को उन्होंने एक सेंटर ऑफ इंडिया कहा गया था। तो मैं आज आपको यहीं ले आया हूँ, इंडिया ऑफ सेंटर। तो ये मेरे बैक साइड में है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो दिख रहा है पिलर, जो पिलर दिख रहा है ये इंडिया का सेंटर कहा जाता है पहले, राइट? और 0 माइल से मैं आपको और करीब में लेके जाता हूँ, आपको करीब में और जाके दिखा रहा हूँ, आप देखिए। बिल्कुल ये है बोर्ड लगा महाराष्ट्र टूरिज्म 0 माइल स्टोन, इसके बारे में और देखेंगे हम आगे। यहाँ पर 0 माइल है ये, और यहाँ नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 7 कन्याकुमारी 16 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ पर 485 किलोमीटर है, वाराणसी 728, 273। तो गाइस, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बताया कि नागपुर में भी ऐसी जो जगह है, इंडिया का सेंटर है, पहले कह रहे थे गवर्नमेंट है, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनुसार, तो मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, वो जगह दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे 4 घोड़े हैं जो ये अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। तो ये वही जगह है इंडिया का जो भी पोल है 0 माइल स्क्वायर, ये इसे 0 माइल कहा जाता है, और ये इंडिया का सेंटर यहाँ पे है। और आपको और देखो जी, GTS के अनुसार उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये निकाले थे कि ये इंडिया का सेंटर यहाँ से, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कोटा 762 किलोमीटर, ये जो लिखा हुआ है ये ब्रिटिश के जो लैंग्वेज है इंग्लिश, भी उनके इंग्लिश लैंग्वेज है। यहाँ लिखा हुआ है टू बैतूल 101 माइल्स, टू छिंदवाड़ा 83 माइल्स, जबलपुर। और ये जो बना है फ्रेंड, ये मिट्टी जो रेत है, रेत की, ये कोई पत्थर नहीं है, ये रेत का ही इसका नहीं है, लग रहा है कि कोई इसको नहीं है। तो ये है नागपुर की खासियत, और यहीं से भी मेट्रो भी बनना चालू हो गया है, ये मेट्रो बन रहे हैं यहाँ पे, मतलब मेट्रो बन चुका है, और यहाँ पे काफ़ी लोगों को आसानी हो गई आने जाने के लिए। तो भाई से ये घोड़े से चारों दिशा में देख रहे हैं, एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेकिन ये 3 घोड़े जो वही देख रहे हैं अपने अपने वो आगे पीछे कर। चलो, ये था नागपुर का 0 माइल, इंडिया का 0 माइल जो है केंद्र बनाया गया था गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1907 में ग्रेट ट्रिग्नोमेट्री का के अनुसार। हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है इस 0 माइल स्टोन के बारे में। फ्रेंड्स, कैसा रहा ये आज का सफर, आज मुझे बताइए। मैंने आपको ज़्यादा लॉन्ग में नहीं बता वीडियो, आज मैं वीडियो शॉर्ट में किया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आगे शेयर कीजिए। ये नागपुर की शान, आन बान शान, ये नागपुर इज़ द बेस्ट सिटी,
हमेशा के लिए, और लोगों के ज़ुबान में भी वही है। अभी मेरे पीछे कुछ दिख रहे होंगे आपको बाइक राइडर, ये कर्नाटका से केरला से आए हुए हैं और ये राइडर है, ये भी इंडिया घूम रहे हैं जहाँ तक। सो अभी जैसे कि डिस्क्रिप्शन की अभी हमने 0 माइल दिखाया आज हमने नागपुर का, मैं आपको इस बार फिर और कुछ नई चीज़ें दिखाऊँगा। ये कोई कर्नाटका से आए हुए हैं राइडर है, ये सुपर बाइक इनके पास है, उन्होंने भी 0 माइल देखे अभी, और एक राइडर इनकी चले गए हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना, तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, अपने आयुष्मान गौतम देखते रहिए, और प्लीज़ आप लोगों का ही मुझे प्यार मिलेगा तो ही मैं आगे अपने मंजिल की ओर पहुँच पाऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ में, आयुष्मान गौतम के साथ में।